मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। वहीं विदिशा हादसे पर बोलते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 26 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। वहीं मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का चेक देने की बात कही। दूसरी ओर कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए मंत्री सारंग ने रेस्क्यू में देरी के आरोप को झूठा बताया। दुख भरी घटना गंज बासुदा में हुई। एक कुएं में एक छोटा बच्चा पानी भरने गया और वो कुएं में गिर गया और उसके बाद उसको बचाने के लिए और पूरी घटनाक्रम को देखने जो उपस्थित लोग थे उनमें से काफी लोग कुएं में गिर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य शुरू हुए और कल रात में लगभग 10 बजे हमें आखिरी शव जो उस बच्चे का था रवि नाम के वो भी मिल गया। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जब हमारी 11 की लिस्ट पूरी हो गई तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। पर उसके साथ ही 2 दिन और ये निश्चित किया है कि यदि कोई कंप्लेंट आती है और किसी के घर से यदि कोई मिस है तो और जाँच की जाएगी।